हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो नया चैप्टर है केमिस्ट्री का वो है चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 जो है उसका नाम क्या है आपका, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके कंपाउंड्स, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर जो पोर्शन ऐसा होता है जिसमें हम कार्बन के बारे में बात करते हैं या कार्बन के कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, उस पूरे पोर्शन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। वो पूरा हमारे लिए क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके अंदर आपका ये वाला चैप्टर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो आप आगे फ्यूचर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसका ये स्टार्टिंग है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमें सबसे पहले समझना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो कौन सा था। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डेवलप हुआ, डिस्कवर हुआ, वो था यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो कौन सा था, यूरिया था आपका। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना था, यूरिया बना था। किसने बनाया था ये, इन 1828 में फ्रेडरिच होलर नाम के साइंटिस्ट थे। फ्रेडरिच होलर ने लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले किसको मैन्युफैक्चर किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यूरिया को। अब ये यूरिया बना कैसे था, ये यूरिया बना था आपका अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट। तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, आप रिएक्शन देखना, यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपका, ये हो गया अमोनियम सल्फेट। इसकी रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं, पोटेशियम साइनेट के साथ। ये आपका 2KCNO, मतलब ये कितनी बार है, 2 बार है। तो अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट, तो पोटेशियम साइनेट यहाँ 2 है, तो मैं यहाँ पे इसको 2 बार लिख दूंगा क्योंकि हमें अलग अलग रिएक्शन करानी। अब बनेगा क्या, बनेगा अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट। तो बनना क्या है, अमोनियम साइनेट बनना है। अब अमोनियम साइनेट बनना है तो अब आप देखें यहाँ पर NH4 कितनी बार है, 2 बार है। रिएक्शन किसकी होगी, इस NH4 की रिएक्शन हो जाएगी साइनेट के साथ। यहाँ पर NH4 दो बार है, यहाँ पर साइनेट 2 बार है। ये आप देखिए ये वाला पोर्शन क्या करेगा आपका, ये वाला पोर्शन रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ। जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ तो क्या कंपाउंड बनेगा, आप लोग देखें NH4 अमोनियम और साइनेट CNO, ये हो गया अमोनियम और ये हो गया साइनेट। लेकिन अमोनियम 2 बार है और साइनेट भी 2 बार है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसके आगे 2 लगा दूंगा, ये 2 प्लस बचा क्या है SO4। के कितनी बार बचा, 2 बार बचा, तो K2SO4। तो रिएक्शन क्या बन गई आपकी, रिएक्शन बन गई अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट। तो क्या बना, अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट। तो जो आपके साइंटिस्ट है फ्रेडरिच होलर ने क्या किया, सबसे पहले अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्ट कराया। रिएक्ट कराने के बाद ये वाला जो सिंबल होता है हीट का मतलब गर्म कर दिया इसको, हीट कर रहे हैं। हीट करने पे क्या बन रहा है, हीट करने पे अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट बन गया। तो अब हमारे पास जो एक कंपाउंड बना था ये अमोनियम साइनेट, जब इस अमोनियम साइनेट को वापस से क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। वापस से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो हीट करने पे ये क्या बनाता है, यूरिया बनाता है। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। यहाँ पे आप देखोगे एन कितनी बार है, 1 एन, तो ये वाला एन यहाँ पे आ गया, दूसरा एन तो दूसरा वाला एन यहाँ पे आ गया। हाइड्रोजन 4 हैं, 2 हाइड्रोजन इधर बट गए, 2 हाइड्रोजन इधर बट गए, बचा क्या, CO, तो NH2CO NH2। जब हम अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तो अमोनियम साइनेट को गर्म करने के बाद यूरिया बनता है। तो फ्रेडरिच होलर ने इस तरीके से लेबोरेटरी में सबसे पहले यूरिया बनाया था। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा हुआ आपका, यूरिया हुआ। बनाया किसने, फ्रेडरिच होलर ने बनाया। कब बनाया, 1828 में, 1828 में बनाया। और कहाँ बनाया था, लेबोरेटरी में बनाया था।
इसके बाद आपका जो कार्बन और इट्स कंपाउंड में सबसे पहले अपन ने देखा यूरिया का क्या हो गया, यूरिया का प्रोडक्शन हो गया। अब यूरिया के प्रोडक्शन के बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि कार्बन जो है उसमें क्या क्या स्पेशलिटी है। कार्बन की अगर अपन बात करें, कैरेक्टरिस्टिक तो हम पढ़ेंगे इस सही, लेकिन जो इसकी ब्रीफली अगर अपन बात करें थोड़ा सा शॉर्ट में, अगर इसके लिए अगर अपन बात करें तो वो शॉर्ट में बात अगर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। आप लोग जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। दूसरी चीज, इसकी जो साइज होती है वो स्मॉल साइज का होता है। साइज इसकी कैसी होगी, स्मॉल होगी। वैलेंसी इसकी प्लस माइनस 4 होती है। प्लस माइनस 4 का मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, 4 दे भी सकता है 4 ले भी सकता है, तो प्लस माइनस 4 हो गया। उसके अलावा क्या है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। डबल और ट्रिपल दोनों तरह के बॉन्ड क्या करता है, ये बना सकता है, इसलिए हम कार्बन की बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ इसमें दूसरी क्वालिटी क्या है, पाई और सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है। अब ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाता है ये हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर 6 होता है, स्मॉल साइज होती है, स्मॉल साइज के अलावा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है और पाई और सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये क्या था, ये बेसिक डिटेल थी। किसके बारे में बेसिक डिटेल थी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमें सबसे पहले क्या जानना था कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, उसके बाद कार्बन जो है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, बेसिक पढ़ा। बेसिक पढ़ा किसका, चैप्टर जो था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसका बेसिक हमने आज पढ़ा है।